सेवा भारती गोरक्ष प्रांत द्वारा आयोजित गो उत्पाद पर आधारित स्वावलंबन एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में किया गया, जिसके संबंध में सेवा भारती के गोरक्ष प्रांत के मंत्री राजेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से चीन के गो उत्पाद की वस्तुओं पर बैन लगाने की वजह से और दिवाली को देखते हुए प्रशिक्षण के जरिए ऐसे मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं जो दीपक, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति और गमला, धूप बत्ती और अगरबत्ती एवं गो उत्पाद से संबंधित सभी तरह की वस्तुओं को बना सके, जिससे लोग स्वावलंबी बन सके और उनके जीविकोपार्जन का रास्ता खुल सके। इस मौके पर सेवा भारती के कार्यकर्ता सहित प्रशिक्षण देने वाले मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवा भारती के गोरक्ष प्रांत के मंत्री राजेश चंद्र गुप्ता ने कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाने की चर्चा देश में चली है। जितने भी उत्सव होते हैं उन सब उत्सवों में लगभग चाइना से हर चीज छोटी छोटी चीज चाइना से आ रही है, वहां से माल आना बंद हो गया। जो काम हम लोग सरलता से कर सकते हैं वो भी नहीं करते, इसलिए अपने यहाँ गौमाता का महत्व बढ़े, देशी गाय के आधार पर कई चीज़ें बन सकती हैं। उसके उदाहरण के लिए जो आज प्रशिक्षण देने आए हैं श्रीमान संतोष, ये उनकी पत्नी दोनों एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। हम लोगों के संकेत पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी डॉक्टर राजेश चंद्र गुप्ता।
इस गोरक्ष प्रांत का सेवा भारती का प्रांत मंत्री हूँ। यह वर्तमान समय में जो संक्रमण अचानक से आपातकाल के रूप में आ गया है, इसको देखते हुए सेवा भारती गोरक्ष प्रांत की तरफ से गो आधारित स्वावलंबन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण के द्वारा हम समाज में कुछ ऐसे मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं जो अभी हाल ही में दीपावली आने वाली है, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें दीपक बनाना, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा को बनाना और साथ ही साथ गमले इत्यादि बनाने के बहुत सारे धूप बत्ती अगरबत्ती जो गो उत्पाद पर आधारित है ऐसे चीज़ों का आज प्रशिक्षण देंगे।